पत्ते देख रहे हो भाई, ये है भाई शहद। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं बी फार्मिंग कि शहद कैसे निकलता है। भाई खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है, और ये इस लेवल तक जाकर आपको कंटेंट बना के दिखा रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना भाई। ये फ्रेश हनी आप बाय कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्ग के लिए। किया जाता है इस तरह, अनकैपिंग किया जा रहा है। ये शहद है पूरा, और कितना सारा शहद है, और ये सारा का सारा शहद जो है ये फ्रेश जो है लोग खरीदते हैं। तो ये देखिए भाई, अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि जो शहद आप घर बैठे बैठे कंज्यूम करते हो वो एक्चुअली में निकलता कैसे, एकदम फ्रेश वाला बिना किसी मिक्सिंग के। दिखाने वाला हूँ कि फ्रेश जो हनी है वो आप तक कैसे पहुँचता है, दुकानों तक कैसे पहुँचता है। तो दिखाते हैं भाई, ये रहे हमारे दो मित्र जो हमारे को दिखाएंगे एक्चुअली में बी फार्मिंग जो है वो कैसे होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और जो मार्केट में मिलता है कई लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता, मिक्सिंग होती है, ये सब चीज़ें, पर आपको यहाँ पर एकदम फ्रेश मिलेगा। तो आप ये चीज़, ये फ्रेश जो हनी है ये आप तक घर तक पहुँच भी सकता है, ख़रीद भी सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर देखो कि कैसे निकाल रहे हैं और क्या बेनिफिट्स है, ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए, ये शहद है सारा, और कितना सारा शहद है, और ये सारा का सारा शहद जो है ये फ्रेश जो है लोग खरीदते हैं। कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शहद होते हैं वो मिक्स करके आता है, बट ये आपको एकदम फ्रेश मिलेगा। ये एक बक्सा खोला जा रहा है, और ये देखो, देख रहा है मन्नी, ये बक्सा देख रहा है, इसके अंदर पूरा शहद भरा पड़ा है। अब ये शहद निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं, और क्या रुपए किलो आपको मिलेगा। ये वीडियो में बने रहो क्योंकि हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने रुपए की है, आपके घर पे कितने दिन तक पहुँचेगा, क्या फ़ोन नंबर है, सब आपको पता चल जाएगा। देखो कितना खतरे वाला काम है कि हाथ से निकाल रहे हैं वो, और मधुमक्खी काट भी सकती है। हमने तो टोपी पहन रखी है, और भैया ने भी काटेगी, काटेगी बिल्कुल काटेगी। बाप रे बाप, ये देख रहा मन्नी, ये देख, ओए होए होए, क्या बात। शाम तक कई बार शहद निकालते हैं पूरे दिन है, हाँ। तो 100-100 मक्खियां काट जाती हैं। बाप रे बाप, मक्खियां पूरी पूरी काट जाती हैं, ऐसे होता है। तो मक्खियों के साथ भी छेड़खानी करनी है जी, पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये माई गॉड, ये फ्रेम निकाल लिया, हाँ। ये फ्रेम, ये ऊपर जो आपको सफेद दिख रहा है ना, हाँ। ये सारा का सारा शहद है। अच्छा, ये सफेद वाला, हाँ, ये सफेद वाला सील्ड माल है, हाँ। और जो ये मक्खियां घूम रही हैं इसके नीचे खाकी रंग का दिखाई दे रहा है। अभी ये सफेद बनाएंगी, हाँ। ये नहीं, नहीं, ये इनके बच्चे हैं यहाँ। अच्छा, बच्चे, हाँ, बंद। तो जो आता है ना शहद जो पेड़ से तोड़ते हैं, हाँ। उसमें क्या करते हैं, इसको मक्खियों को बेचारे को सारी को नष्ट कर देते हैं, हाँ, हाँ। और इसमें ना हम ये सिलिंग कर काट देंगे चाकू से और मशीन में घुमाएंगे, हवा के दबाव से शहद निकल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है जो शहर में कई बार क्या होता है कि जो शहर में इलीगल तरीके से जैसे किसी के मधुमक्खी का क्या क्या छत्ता बना होता ना, तो वो जला देते हैं उसको धुएं से, मक्खी को जलाने तो मर जाता है ना, हाँ। तो इसको हम जब शहद निकालते हैं ना तो मक्खियां बढ़ती हैं, इनका वंश बढ़ता है, और जब वो काटते हैं शहद, हाँ। तो उससे मक्खियां खत्म हो जाती हैं। ओहो, मशीन कोई ऐसी नहीं है, मशीन में संचय बने होते हैं, हाँ। और घुमाएंगे मशीन को तो हवा के प्रेशर से ना, हाँ। ये शहद निकल जाएगा, इसमें सुराख है। बाप रे, तो इस शहद को, पके हुए शहद को प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोसेस जब करते हैं कि वो कच्चा माल लेके जाते हैं, हाँ। और इसमें मिलावट करने के लिए, हाँ। लगभग 100 डिग्री का तापमान दे देते हैं, अच्छा। और ये लिक्विड हो जाता है बिल्कुल, और रेड हो जाता है, हाँ, हाँ। और इसके अंदर सिरप मिला दी जाती है, वो हमें लगता है कि वो ओरिजिनल है, हाँ, ओरिजिनल है। और लगभग 11 लाख मैट्रिक टन शहद की लागत है अपने अकेले हिंदुस्तान। अरे बाप रे, तो फिर कैसे लागत पूरी होती है? इसमें से 3 लाख मैट्रिक टन में से 60% मस्टर्ड क्रीम हनी, जो सफेद वाला मैंने आपको दिखाया था, हाँ। वो शहद निकलता है, तो वो सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, ये झंडे का है, ये निकलता है, उसके बाद ये बेरी का है, ये निकलता है सिसम, बेरी, झंडी, ये कई प्रकार के लगभग 50 प्रकार के शहद निकलते हैं। अच्छा, और 500 ही कलर होते हैं, हाँ। दोनों में देखो फर्क है, दो, एक गाढ़ा है, हाँ, और एक लाइट है, हाँ, एक लाइट है। तो ये अलग अलग फूलों का शहद है, इसमें क्या करते हैं, इसमें से भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, हमारे पास में 20-30% बचता है ओरिजिनल शहद, और उसकी 11 लाख मैट्रिक टन की लागत को पूरी करते हैं। आप गाइस, आप सोच सकते हो कि वो 11 लाख मैट्रिक टन जो है वो कैसे पूरा किया जाता होगा। यानी हम कह देते हैं ना कि भी आटे में नमक डाल दिया, हाँ। अब यहाँ नमक में आटा मिक्स होता है,
यानी 90% सिरप है हाँ। और उसके अंदर 10% शहद मिला दिया जाता है। क्या बात है, जो जीवन के साथ में। तो देखो गाइस, यहाँ पर आने का ये भी एक मेन मकसद था कि अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये फ्रेश हनी आप बाय कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपने बड़े बुजुर्ग के लिए, किसी के लिए भी, अपने लव्ड वन के साथ जिसकी आपको परवाह है, जिसकी केयर आप करना चाहते हो, आप उनके लिए ये डायरेक्ट खरीद सकते हो। गूगल पे और पेटीएम का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आप इनको पैसे भेजो और ये आपको 5 से 6 दिन के अंदर आपको कुरियर करा देंगे। कहीं भी इंडिया में कहीं भी आप कुरियर करवा सकते हो, इवन कुछ बाहर के देशों में भी कुरियर होता है। ये देखो, ये भाई आप मेरे को एक चीज़ बताओगे, ये क्या रुपए रेट आता है ये हनी? जी ये हनी होगा, ये 600 रुपये में कोरियर चार्ज सहित भेज देंगे घर में। 600 रुपये किलो? हाँ, 600 रुपये किलो में आपके घर भेज देंगे। जो बेरिक है वो 800 रुपये के जी आपके घर भेज देंगे। जो मस्टर्ड है वो आपको हम, जो सफेद क्रीम हनी है वो 500 रुपये में भेज देंगे। वो ज्यादा निकलता है, ये कम निकलता अच्छा। है, बेरिक का और ही कम निकलता है। तो मतलब सिस्टम होता है, देखो मेन मकसद यही है इनका कि अगर जो रिटेलर है वो इनसे डायरेक्ट खरीदेगा ना, तब इनको भी 4 पैसे बच जाते हैं। तो वो ही एक रीज़न है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका माल जो है वो डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचे, ताकि बीच में जो मीडिएटर है वो बीच में ना आ सके। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आप डब्बे खरीदते हो महंगे, आपके पास में वो ना खरीद के आप डायरेक्ट इनसे भी खरीद सकते हो। तो गाइस ये अनकैपिंग किया जाता है, इस तरह अनकैपिंग किया जा रहा है। ये शहद है पूरा, ये शहद पकड़ने नहीं सनी है अच्छा। जो ये पूरा सील्ड नहीं होता है ना हाँ। तो इसके अंदर 20-25% मॉइस्चर रहता है, 25-30% सरसों के सीजन में तो 30-30% मॉइस्चर रहता है। तो ये देखो वो तो कंपनियां लेके जाती है ना, हमारा तरीका है, नेचुरल तरीका इसका ये है, मक्खी द्वारा मॉइस्चर कम करवाओ। हाँ ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो ये फ्रेम है ना, ये भरा हुआ है अभी। अच्छा ये एक फ्रेम से लगभग कितना निकल जाता होगा? इससे 250 से 300 बस, और क्या ऊपर ये ऐसे हवा, क्योंकि देख इसमें कोई मशीन लगा के ये दीवार के चिपक गया, ये इस तरह हर बार निकालेंगे तो ये नीचे से ये देखो ये दीवार पे चिपक रहा है, इसके जो ड्रम का जो कॉर्नर है ना, देख रहा मन्नी, ये इस पे शहद चिपक गया क्योंकि ये हवा के प्रेशर से ना फैल रहा है। ये लोगों ने बहुत कम देखा है। ये क्या प्राइस है? ये 500 रुपये में आपके घर भेजते हैं। ये 500 रुपये में? हाँ, कोरियर चार्ज सहित। अच्छा, इसका कारण ये है सर कि ये 60% अकेला शहद यही निकलता है भारत में। अच्छा, और कोई नहीं जानता विंडम ये कि कोई नहीं जानता इसके बारे में, सबसे ज्यादा निकलता है, फिर भी अरे ये सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। क्या बात, और वो इनको खाते, इसको खाते हैं, इसको लगाते हैं इसे। अच्छा, जैसे आप ये गैट देख रहे हो हाँ। इस गैट से मक्खियां घुसती हैं हाँ। और जब पोलन का समय होता है, जैसे पिछला महीना था, तो उसमें हम इस प्रकार ट्रे लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, ट्रे लगा दी तो मक्खियां घुसेंगी यहाँ से। अच्छा, इस जाली से हाँ। तो इसमें आएंगी तो उसकी टांगों में थैली बनी हुई होती है पीछे टांगों हाँ। में अच्छा, और उसमें से झड़के यहाँ आ जाएगा इस जाली पे, जाली से यहाँ। ओए होए होए, ये है बी पोलन हाँ। ये बी पोलन है, ये तो अपने डब्बे से डाला है अभी हाँ हाँ। तो यहाँ इस प्रकार आ जाता है, तो अभी तो ये तो ये तो मेथी दाना टाइप नहीं है? हाँ, मेथी दाना टाइप है, हमने इसको सुखा के छांव में और कलर भी तैयार कर दिया हाँ हाँ, कलर भी आएगा, तैयार कर दिया। तैयार इस प्रकार होता है, ये आता है गिल्ला, जब ये एक ट्रे भरी हुई होती हाँ, है हाँ, तो इसका इतना रह जाता है। अच्छा, सूख के इतना रह जाता है हाँ, तो मतलब आप सुखा के मतलब की बेचते हो हाँ हाँ। ये इकट्ठा होता है, जैसे ये एक ट्रे हो गई हाँ, गिल्ला इकट्ठा होता है, और अब सुखा के अब इसको तैयार करते है ना हाँ, तो ये इतना बच जाता है, यानी वो नहीं रहता हाँ। कि जब इसको छांव में सुखाते हैं एक महीने में जाके, और इतना ही बच जाता है, जब जाके इसकी कीमत 2000 रुपये केजी होती है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत कोई पंख है, डंक है, डस्ट है, ये आ जाते हैं, साफ किया जाता है, फराटे से छानना पड़ता है और छलनी से छानना पड़ता है, और इसको ज्यादातर क्या होता है चार पाइयों पे सुखाना होता है, तो नीचे से ऊपर से हवा लग सके, ये सूख सके, तो इस प्रकार करके। और जब इसका सारा सिस्टम करते है ना, तो इसमें कॉस्ट भी काफी आ जाती है, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, 20-25 दिन में जाके ये तैयार होता है। कितना मतलब कि 20-25 दिन में तैयार होता है? अब गाइस आप सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद ये इतना चीज, इतनी बढ़िया चीज है कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि सर इसके बेनिफिट्स बताओ क्या है।
ये कौन लोग ले सकते हैं, किन लोगों को लेना चाहिए ये? देखो लेना तो चाहिए सर हर वर्ग के व्यक्ति को। अच्छा, जो बीमार नहीं है वो रेगुलर लें, कभी वो बीमार ना पड़े। अच्छा, और जो बीमार है उसको तो लेना बहुत जरूरी हो जाता है, उसकी मजबूरी होती है। बीपोलन के अंदर लगभग 40% नेचुरल प्रोटीन होता है। अच्छा, नेचुरल प्रोटीन होता है, विटामिन ए सी ई होता है, विटामिन इसमें बी फैमिली तो पूरी ही होती है, और इसमें लगभग 250 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशंस होते हैं। हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आप एक नेचुरल इसको सप्लीमेंट कह सकते हैं, ये हार्मोन बैलेंस करता है। हार्मोन बैलेंस होने न होने के कारण जो हार्मोन अनबैलेंस होते हैं तो उसके कारण 70% बीमारियां हमारे में आती हैं, जैसे डायबिटीज। अच्छा, अच्छा, डायबिटीज, टेंशन, अरे वाह, बीपी, बीपी, जॉइंट पेन, सेक्सुअल समस्या, गठिया, मतलब गठिया, ब्रेन सिस्टम, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड जिसको भी है, इस सिस्टम में ये काम। और किस मात्रा में लेते हैं जी? एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम। खाने से पहले? नहीं, खाने के बाद में लो। खाने के बाद अगर किसी को गैस कब्ज की समस्या है, हाँ, तो वो गुनगुने पानी में एक या दो चम्मच सुबह सुबह खाली पेट ले ले, उसकी 20 साल पुरानी भी ये समस्या दूर हो जाएगी। क्या बात है भाई, चीजें ये बेनिफिट्स बता रहे हैं, इतनी नॉलेज है। मैं आपको बोलूंगा आप एक बार लेके देखो, अगर ना पसंद आया, अगर आपको फर्क ना पड़ रहा हो तो आप मत लेना। और ये चीज आपको बता देता हूँ कि ये एक किलो जो 2000 रुपए का दे रहे हैं ना, ये 2 महीने चलता ना? 2 महीने चलेगा ये, 2 महीने चलेगा। देखो अपनी ज़िंदगी पे इतना तो इन्वेस्टमेंट बंदा करता है, और आप देख सकते हो इतने सारे इन्होंने यहाँ पे बी फार्मिंग होती है, ये इनके सारे के सारे इनकी अपनी है, इतने सारे बी पॉलन निकलते हैं इसमें से। 25 दिन जैसे कह रहे हैं, एक महीना लगभग लग जाता है इकट्ठा करने में, उसके बाद उसकी छटाई होती है, उसको एकदम प्योर बनाया जाता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती। सबसे बढ़िया बात ये है, लेकर देखो फ़ायदा होगा तो कंटिन्यू करो, नहीं तो बेशक मत लेना। नंबर मैं जो है वो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, और ऊपर डिस्क्रिप्शन पे भी डाल रहा हूँ, गूगल पे भी है और पेटीएम भी है, दोनों भी है। बाकी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि कंपनियाँ भी इस बारे में सोचे कि इंसानियत बड़ी है, और मैं नदी में एक तिनके के बांधती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कंपनियों का मिजाज भी पलट दूंगा, लेकिन अंकुश जरूर लगा दूंगा। अवेयरनेस की कमी है, वो हम जरूर आप जागरूक करिए। जरूर जी, धन्यवाद मेरे से आपको लेने के लिए। आप इसी नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है उन पे आप व्हाट्सएप करो, कॉल उठाएं, उठ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप व्हाट्सएप करो और इसको शेयर करो, ताकि मैं किसान हूँ, मेरी भी हेल्प हो सके और आप लोगों तक ये पहुँच सकते हैं। और आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी करोगे, और 4 से 5 दिन के अंदर, मतलब 5 से 6 दिन के अंदर डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी, और कुछ बाहर के देशों में भी ये डिलीवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, फिलहाल तो यूक्रेन को छोड़ के सभी जगह करते हैं, कोई दिक्कत। चलो बहुत बढ़िया है सर, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।